हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। अभी मैं अपने फार्म पे हूं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मैं अपने फार्म पे इंटीग्रेटेड मॉडल पे काम कर रहा हूं, जहां पे मैं फिश फार्मिंग भी कर रहा हूं, बटेर की फार्मिंग भी कर रहा हूं, मुर्गियों की फार्मिंग भी कर रहा हूं। अभी हमारे साथ फार्म में दिक्कत ये है कि हमारे पास इस बार अब सेल धीरे 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 बढ़ते जा रही है। हमारे पास बटेर की डिमांड हो, मछली की डिमांड हो या मुर्गी की डिमांड हो, वो सारी डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, खास करके बटेर और सोनाली मुर्गी की। लेकिन हमारे पास जगह की कमी होने के कारण हम अपनी फार्मिंग में कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पा रहे, और उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आप जो बिल्डिंग इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे पहले सबसे पहले हमारा बड़ा सा फार्म था, लेकिन किसी कारणवश हमको उसको तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये हमारी फ्रंट की जगह थी और हमने यहाँ पर ये बिल्डिंग को बनाया, जो फ़िलहाल हमारे लिए उपयोगी तो बहुत है, लेकिन हमारे पास जो है एक फार्म की कमी हो गई है। जिस जगह पे ये बिल्डिंग है, उस जगह पे एक लंबा चौड़ा फार्म था हमारा, जहाँ पे हम बटेर की हमारी एक नया बड़ा फार्म बनाने की तैयारी चल रही है, और जल्दी से वहाँ पे हम का बैच स्टार्ट भी करने वाले हैं। अभी जो आप वीडियो में बिल्डिंग देख रहे हैं, ये घर जो देख रहे हैं, ये हमारा पुराना फार्म है। ये वीडियो मेरा लगभग 3 साल पहले का है, 3 साल या 2 साल पहले का, जब हमारी ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, जहाँ पे मेरी जो पूरी फार्मिंग होती थी बटेर की, सोनाली की, देसी गौरन मुर्गी की, मैं इसी जगह पे करता था। ये काफी लंबा फार्म था और चौड़ाई में भी सामने से बहुत चौड़ा था। ये जो हमारा 45 फीट का लंबा जो हॉल था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ये पार्ट हमारा ये है, यहाँ पे जब हम सोनाली मुर्गी की ब्रूडिंग करते हैं, बटेर रखते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे अभी हमारे 300 बटेर की ब्रूडिंग चल रही है। ये आप घेरे के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारा 300 बटेर रखा हुआ है, जिसकी ब्रूडिंग चल रही है। और तीसरा वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें जो इसमें हमने सोनाली मुर्गी डाली हुई थी, वो मुर्गी हमारे पास जितने भी बची हुई है, वो रखी हुई, इसमें से हम चिल्लर बिक्री करते रहते हैं। और इसकी जो मुर्गियां हैं, हम वो लेयर पर्पज़ से रखने वाले हैं, अंडे के पर्पज़ से। अभी इनका वज़न लगभग 1200 ग्राम के आसपास आ चुका है, कुछ मुर्गों का उससे भी ऊपर जा चुका है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं हमारा ब्रूडिंग सिस्टम, हमारा जो ये मेन ब्रूडिंग सिस्टम है, ये अभी बंद पड़ा हुआ है। इसका बंद होने का कारण ये है कि हमने जब पिछले सीज़न में इसमें ब्रूडिंग की, तो थोड़ी सी कुछ कमियां मुझे इसमें नज़र आई, जो मुझे इससे सुधारना था, तो उसको अभी हमने इसको ठीक करवाया है। पर अभी तक इसकी लाइटिंग हमने कंप्लीट नहीं की, इसलिए अभी ये बंद है। और गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने के कारण हम इसका यूज़ भी अभी नहीं कर रहे हैं। पहले आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे 6 बॉक्स हुआ करते थे, 1, 2 और 3 अंतिम में एक होता था, मतलब इस तरीके से लाइन से या बॉक्स थे। और यहाँ की जो जाने वाली हमारी जगह थी, ये थोड़ी सी छोटी थी, तो हमने इसको चौड़ी कर दिया है। और पीछे जो है, हमने बॉक्स को 1 कर दिया, जहाँ पे हम सोनाली मुर्गी की ब्रूडिंग करेंगे। इसकी कैपेसिटी को हमने बढ़ा दिया, यहाँ के 2 बॉक्स को काट के हमने उसको 1 पूरा लंबा बॉक्स बना दिया, जहाँ पे ज़्यादा बच्चों की ब्रूडिंग एक साथ की जा सकती है। और साथ ही साथ हम इसके साइड में जो आपको विंडो दिख रही छोटी छोटी, यहाँ पर हम छोटे वाले एग्जॉस्ट फैन लगाने वाले, ताकि यहाँ की गर्म हवा को जरूरत पड़ने पे हम बाहर कर सके और ह्यूमिडिटी एकदम से ना बढ़े। आप देख रहे हो यहाँ पे सारा जो लाइट का कनेक्शन है, अभी खुला पड़ा हुआ है, लाइटिंग अभी इसकी हुई नहीं है, इस कारण से हमने इसको भी बंद रखा हुआ है। और कुछ दिन बाद हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर से इसमें हम बच्चे की अपनी ब्रूडिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारे पास फार्मिंग के लिए, अपना कल्चर निकालने के लिए दूसरी कोई और जगह ना होने के कारण सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है कि हम अपना लॉट एक के बाद एक नहीं निकाल पा रहे हैं।
हमारे पास मात्र इतनी ही जगह है जो हमारे तीन सेक्शन में अभी बटी हुई है, इसी में हम अपनी फार्मिंग करते हैं, ऊपर वाले रूम में ब्रूडिंग करते हैं और अभी हमारा जो नया फार्म बनने वाला है उसमें जाके हम थोड़ी सी अपनी फार्मिंग को बढ़ाने वाले हैं। जिस जगह पे ये बिल्डिंग बनी हुई है यहीं पे हमारा पहले पुराना फार्म था जो काफ़ी बड़ा और लंबा चौड़ा था, लेकिन किसी रीज़न से हम उसको तोड़ना पड़ा और तोड़ने के बाद हमने ये बिल्डिंग बनाया जहाँ पे हमारी सॉइल टेस्टिंग प्लस फिशरीज की जो डिसीज डायग्नोस्टिक लैब है वो भी खुलने वाली है। तो उसके पीछे मैंने लंबा हॉल दिया हुआ है, लगभग 45 फीट लंबा और 11 फीट के आसपास चौड़ा, जो फ्यूचर में हम इसको पूरी तरीके से ब्रूडिंग रूम में तब्दील करने वाले हैं, जहाँ पे सिर्फ बटेर और सोनाली मुर्गी की ब्रूडिंग होगी और ब्रूडिंग के बाद वो चिक्स यहाँ से बाहर निकलने के बाद सीधे फार्म पे जाएंगे, बड़े फार्म पे जहाँ पे उनकी ग्रोथ होगी और वहीं से उनकी सेल होगी। आप ये जो बटेर का चिक्स देख रहे हैं ये अभी मात्र 2 दिन का हुआ है, आज इसकी ब्रूडिंग का 2रा दिन है। अभी गर्मी में ब्रूडिंग में काफ़ी ज़्यादा समस्या नहीं आती, समस्या इस बात पे आती है कि आप ब्रूडिंग करते समय टेम्परेचर का मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। गर्मी के समय में बटेर की चिक्स की ब्रूडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बच्चा हाँपने लगेगा, उसको पानी की कमी होने लगेगी, तो हमको खास करके इस बात में ध्यान देना है कि कभी भी टेम्परेचर एक्सेस ना हो, बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा बच्चों में पानी की कमी होगी, बच्चा हाँपने लगेगा, उसकी एनर्जी लॉस होगी और इस वजह से आपके बच्चे की मॉर्टिलिटी बढ़ सकती है एक साथ। तो आपको बहुत ध्यान देके इस समय ब्रूडिंग करनी होती है।